नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्वन परिहार और आज मैथ की नई सीरीज में आपको लेके आए। जैसे लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, अगर 65 का स्क्वायर करना है तो क्या करते थे, 25 देन इसके बाद जो आता था जैसे 7 आता था 7 6 42। ठीक है, अब देखो अगर लिखा हुआ है डिजिट 87 का स्क्वायर करो या 37 का स्क्वायर करो या 53 का स्क्वायर करो तो कैसे करते हैं। देखो जैसे 87 का स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है आपको, 7 का पहला जो डिजिट दिया इसको डबल कर दो, देन 8 का डबल कर दो कितना हो रहा है 64, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 56 दूनी कितना होता है 112, इन सबको जोड़ दो 9 6 5 7, ये होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 37 का स्क्वायर करना, जैसे डबल कर दो इसका, 49 हो गया, इसका डबल 9 हो गया। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 21 2 42, इसको जोड़ दो 9 6 13, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, अगर आपको दिया हो जैसे कितना होता है, चलो सिंपल सा एक मान ले रहे हैं, 17 का स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या करोगे, 7 7 49, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, 7 2 14 9 8 1। ठीक है, सबको पता है, सिंपल सा एक और देखे रहता है, जैसे 12 का स्क्वायर बताना है, सबको पता रहता है। ठीक है, 2 2 4, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 और 2 का गुणा करेंगे 2, 2 2 4, इन सबको जोड़ दिया 4 4 1, आ गया ना, सिंपल है। ठीक है, ये तो हो गया।